स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट टू। पार्ट वन ना देखो हो तो पहले पार्ट वन देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, एक लाइन से वीडियो मिलेगा तो उसको देख लीजिएगा, ताकि इसमें जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो सब समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे, पहला और दूसरा क्वेश्चन किए हैं इससे पहले का वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक एपी में, थ्री का पहला नंबर, थ्री में ऐसा लिखा हुआ है, एक एपी में, एपी में क्या है, तो ये है ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3 और ए एन इज इक्वल टू 50 दिया है। एन और एस एन याद कीजिए, एन और एस एन ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, एक एपी है, उस एपी में ए दिया हुआ है 5, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 50, तो एन और एस एन दोनों हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, एन और एस एन निकालना है, ठीक है, दिया हुआ क्या है ए एन, तो डायरेक्ट तो कुछ एन का फॉर्मूला नहीं होता है जो एन वहाँ से निकलेगा। फॉर्मूला हम किसका जानते हैं, एक तो ए एन का फॉर्मूला जानते हैं और एक एस एन का फॉर्मूला जानते हैं। ए एन मतलब क्या होता है, एनवा पद, है ना, यानी चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, इस तरह से, और एस एन मतलब होता है पदों का योग यानी जोड़, है ना, एन पदों का जोड़। तो देखिए ए एन दिया हुआ है तो यहाँ से हम आसानी से ए एन दिया हुआ वहाँ से एन निकाल लेंगे, ठीक है। अब एन निकल जाएगा उसके बाद एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो एस एन निकल जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए ए एन दिया हुआ है 50, इसको लिख देंगे 50। ए एन का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 50 है तो लिख देना है 50। ए कितना है 5 प्लस एन, एन तो नहीं दिया हुआ है छोड़ देंगे, माइनस 1, डी डी कहाँ गया, ये देखिए 3 बराबर 50, ठीक है। बस इज्जत से यहाँ से उठा करके यहाँ रख देना है, ए 5 है तो ए की जगह में 5, फिर प्लस होता है फॉर्मूला में प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट ब्रैकेट लगाएंगे, एन तो एन तो दिया हुआ नहीं है तो छोड़ दीजिए, फिर माइनस 1 उतार देंगे, फिर ब्रैकेट है बंद करेंगे, डी है तो डी भी पता है 3, तो डी की जगह 3 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर देना है, अलजेब्रा वाला सोल्यूशन इधर उधर करके आए कैसे, देखिए प्लस में 5 है, प्लस को पहले हटाएंगे, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, बाकी को रहने दीजिए अभी, है ना, चाहे तो आप इसको गुना भी कर सकते हैं लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ गुना करके उधर ले जाना है तो उधर ले जाएंगे, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। एन माइनस 1 इंटू 3, ये प्लस में 5 है, उधर जाएगा लेकिन पहले 50 को लिख लेंगे तब ये इधर आके हो गया माइनस 5, 50 में 5 घटाइए तो हो गया 45, ठीक है। अब देखिए ये 3 गुना में है, गुना हमको एन चाहिए तो एन को सिर्फ इधर रखना है, बाकी सबको हटाते जाना है, तो एक एक करके हटाएंगे, जो एन से ज़्यादा दूर में है उसको हटाएंगे, ये बॉर्डर याद रखिएगा, बॉर्डर समझना है इसको, बॉर्डर पार करते जाना है, तो जो ज़्यादा दूर में है इस एन को रखना है इधर, तो एन से जो बहुत दूर में, थोड़ा ज़्यादा दूर में, उसको पहले हटाना संभव है तो वो हट गया। उसके बाद देखिए ये सबसे दूर था ये, इसको हटा देना है। अब ये ब्रैकेट के अंदर, इससे बाहर 3 है, तो बाहर वाला पहले हटेगा, तो बाहर मतलब 3 गुना में इधर आके हो गया भाग, यहाँ बच गया का एन माइनस 1। अब ये माइनस 1 के पास कोई ऑप्शन नहीं, इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसको पहले काट लेते हैं, 3 एका 3, 3 बचे 15, यही हो गया 15, ये माइनस में है तो इधर आके हो गया प्लस, तो कितना हो गया 15 और 16, एन आ गया 16 है, एन कितना 16, एन निकालने कहा था, बस निकल गया एन 16। अब एस एन बोला है निकालना, ठीक, एस एन, एस एन तो एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। देखिए एस एन, एन मतलब 16 आया तो इसको लिख देंगे एस 16, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 16 पदों का योग, एपी का 16 गो पद है, ए और डी दिया हुआ, इसके हिसाब से 16 गो पद बनेगा और वो 16 पदों का योग निकाल रहे, जोड़ कितना होगा जोड़ने से 16 को, ठीक है, तो एस 16, ऐसे यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा, आंसर तो इधर आने वाला है, ठीक है। एन, एन कितना है 16, तो रखेंगे 16/2 इंटू 2 ए, ए देखिए कहाँ पे है 5 है,
ए पाँच है, टू ए मतलब इस दोनों के बीच क्या है गुना, तो गुना पाँच, फिर प्लस एन, एन है 16 माइनस वन, डी, डी देखिए 3 है, बस फॉर्मूला में रख देना है ना, जोड़ घटाओ गुना भाग, चार को चीज़ तो होबे करता है मैथ में, देखिए कट रहा है 2 8 16 मान्य भाग हुआ ये, तो भाग दे दिए, अब यहाँ गुना दिख रहा है तो गुना करेंगे 5 2 10 प्लस, यहाँ ब्रैकेट में घटाव दिख रहा है तो घटा देंगे 16 में एक तो 15 हो गया, अरे ये वाला ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, लगा देंगे गुना 3, फिर से देखिए वही जोड़ घटाव, ये जोड़ है इसको रहने देंगे, पहले गुना करेंगे ना, गुना का काम पहले होता है, इसको रहने दीजिए, प्लस 15 3 45, अब ये जो ब्रैकेट का काम पहले होता है तो ब्रैकेट के अंदर घुस गए, जोड़ दिख रहा है जोड़िए 5 8 0 5 4 1 5, अब ये ब्रैकेट माने गुना, तो गुना कीजिए 8 5 40 8 5 40 4 4 44, तो एस एन यानी एस 16 हुआ पद का योग, 16 पदों का योग आ गया कितना 440, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, फार्मूला सिर्फ याद रखिएगा, 2 फार्मूला यही दोनों से आराम से बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, एन ए दिया हुआ है, ए है 7 और ए 13 है 35, तो डी और एस एन निकालना है, ये दिया हुआ है डी और एस एन फाइंड करना है, ठीक है, देखिए ए बराबर 7 दिया हुआ है, ए 13 दिया हुआ 35, डी और एस एन निकालना है, ठीक है, देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में समांतर श्रेणी में है इस तरह का, तो सबसे पहला काम इसमें देखिए जो भी काम होगा वो यहाँ से ही स्टार्ट होगा, ए एन या इस तरह से ए 13 दिया और वहीं से स्टार्ट होगा, है ना, सब में यहीं से स्टार्ट करना है, यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए अपने आप देखिए बनते जाएगा, है ना, तो देखिए ए 13 दिया हुआ इसको एक बार लिख देना है, ए 13 बराबर 35, ए 13 मतलब क्या, ए एन होता है तो एन के जगह 13 दे दिया है ना, ए एन होता है तो एन यहाँ पर मालूम है 13, एन 13 दे दिया है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा ए एन का, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर इधर 35, अब देखिए ए ए दिया हुआ 7 प्लस एन, एन देखिए यहाँ पे दिया हुआ 13 है ना, ए एन होता है नीचे में ए एन, तो एन के जगह में 13 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी 13वां पद ये है, तो 13 लिखेंगे एन में, फिर माइनस वन और ये डी बराबर हो गया 35, देखिए डी निकालने कहा था तो यहाँ देखिए डी सिर्फ है तो डी तो निकल गया, खाली ये सबको उठा के उधर कर देना है, ठीक है, तो देखिए पहले 7 को हटाते हैं, 7 को प्लस में उधर जाकर हो जाएगा माइनस, और यहाँ देखिए घटा घटा दीजिए 13 में 1 घटाएंगे तो 12 डी, इसको घटाइए 35 में 7 15 में 7 8 यहाँ पे 2 इधर ना, हाँ डी डी देखिए 12 गुना में तो उधर चल के भाग में हो गया, काट दीजिए दो 4 से काट दीजिए 4 3 12 428 कितना आ गया 7/3 है, डी आ गया कितना 7/3, कोई दिक्कत नहीं, डी निकालने कहा था निकल गया, अब एस एन निकालना है तो फिर एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, हैं एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन बराबर फॉर्मूला वही होगा एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, देखिए एन एन कितना है 13 बाई टू इंटू टू ए, टू ए है 7 प्लस एन 13 माइनस वन और डी कितना है, डी अभी आया 7/3, ठीक है, तो बस वैल्यू रख देना है अच्छा सा, है ना, उसके बाद भाई जोड़ घटा गुना, चलिए यहाँ गुना दिख रहा है 2 7 14 प्लस 13 में 1 घटाव दिख रहा है तो क्या होगा 12 गुना 7/3, देखिए ये कट रहा है 3 4 12 तो क्या हो जाएगा 13/2 इंटू 14 प्लस 7 4 28, ये हो गया 13/2 और यहाँ कितना हो जाएगा 8 4 12 2 1 3 4 42, ठीक है, तो ये कट रहा है 2 2 4 2 1 2, तो बच गया कितना 13 गुना 21, गुना कीजिए 13 1 13 13 2 26 1 27, ठीक है 273, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है वाला, बहुत सारा क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है तो सब एक ही टाइप का, हल्का हल्का खाली शुरू अलग है ना, मतलब बनाना वैसे ही है, एस ए एन का फॉर्मूला से ही, ए नहीं दिया हुआ तो ए निकालना होगा, डी नहीं है तो डी निकालना होगा, एन नहीं है तो एन निकालना होगा, है ना, तो सब सेम क्वेश्चन है, तो चलिए एक आध क्वेश्चन और समझा दे रहे खाली, है ना, बाकी तो बन जाएगा, एक ही क्वेश्चन कितना सोल्व करें, है ना, जैसे इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, ए
12 दिया हुआ है 37, तो ए 12 मतलब वही फॉर्मूला इसका लगा देंगे, ए 12 बराबर है 37, तो यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो गया 37। ठीक है, अब देखिए वैल्यू रख देंगे ए, ए तो है ही नहीं तो छोड़िए, प्लस एन, एन है 12 तो 12 लगाएंगे माइनस वन, फिर डी, डी है 3 बराबर हो गया 37। जो यानी कि जो दिया हुआ रहेगा उसको पुट कर देंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसको कहाँ पुट करेंगे हैं, तो उसको छोड़ देंगे, तो उसको वही को इसी को निकालना रहेगा, तो ये सबको फिर उधर कर देंगे, निकल गया वो। अब वो सब निकल गया, उसके बाद फिर से एस एन का फॉर्मूला लगा कर वहाँ बैठा देना है ना, तो सबको हम एक करना है। ठीक है, यहाँ से देखिए फटाक से ए निकाल दे रहे हैं, उसके बाद बाकी कर लीजिएगा। ए प्लस हो गया, घटेगा क्या, तो ये घटा लीजिए 11 ब्रैकेट में गुना 3 बराबर इधर 37, 11 तिया कितना हो गया ए प्लस 11 तिया 33 बराबर 37, तो ए बराबर क्या हो गया 37 प्लस में है तो उधर गया तो माइनस, तो ये हो गया 4। देखिए ए आ गया 4 और डी तो पता है 3 और एन पता है 12, तो यही तीन चीज़ का जो जरूरत है, ए डी और एन तीनों मिल गया। अब एस एन का फॉर्मूला लगाइए, वहाँ पर रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, एक ही क्वेश्चन को कितना करें है ना, तो थोड़ा थोड़ा खाली क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, बाकी आप बना सकते। चौथा क्वेश्चन है ए 3 बराबर 15, एस 10 बराबर 125, तो डी और ए 10 निकालना है। चलिए ये थोड़ा सा दूसरा है, देखिए इसमें ए 3 दिया हुआ है, एस 10 भी दिया हुआ है, हमको डी और ए 10 निकालना है, तो जो दिया हुआ रहेगा वहीं से काम चलना है ना, ए एन वाला से है ना, सबसे पहले ए एन, ए एन यहाँ पे देखिए ए एन, ए 3 दिया हुआ है यानी ए एन, ए 3 इतना है, तो ए एन का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 15। ठीक है, अब देखिए ए है क्या, नहीं है, छोड़ दीजिए, प्लस एन है देखिए यहाँ है 3, तो 3 माइनस वन, डी है नहीं है छोड़ दीजिए बराबर 15। ठीक है, अब क्या लिखेंगे इसको, ए प्लस 3 में घट या 2 डी बराबर 15, तो ये दोनों स्टेप ना करके इसको भी डायरेक्ट ऐसा रहता उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इससे पहले का वीडियो में बताए थे ए 3 मतलब क्या होगा, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ए प्लस 2 डी, ए 5 रहता है तो इसको होता है ए प्लस, एक घट जाता है 4d डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि n माइनस वन होता है तो एक घटाना ही है, तो ये दो स्टेप ना करके डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं, है ना, लेकिन ये कहाँ से आया, तो यही फॉर्मूला से आया, इसलिए समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, और जब जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें ये दो स्टेप हटा करके इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, है ना, तो आपसे डायरेक्ट लिखेंगे, अभी समझाने के लिए कर दिए, अब जितना रहेगा उसको डायरेक्ट लिखेंगे, देखेंगे कैसे होगा। देखिए ए 3 इतना है, फॉर्मूला लगा दिए ए प्लस 2d बराबर आ गया 15। अब देखिए यहाँ a है यहाँ d है, तो a और d को तो जोड़ नहीं सकते हैं, हैं, अच्छा उधर अगर करते हैं तो भी कोई फ़ायदा ना होगा, 15 में ना a जुटेगा ना d जुटेगा, ना इधर ना उधर, किधरों को करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वरने यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते, तो जहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं ना वहीं मैथ में समीकरण लिख देते हैं उसको, है ना, जहाँ पे अटक गए आगे नहीं बढ़ सकते हैं अलजेब्रा टाइप वाला में, तो उसी को मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण उसको मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर दूसरा काम करते हैं, ये समीकरण 1 ख़त्म कहानी इसका, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आगे अभी नहीं बढ़ सकते हैं, इसीलिए अब दूसरा में आते हैं। ठीक है, तो आगे यहाँ पे देखिए एस दिया हुआ है, एस एन जो दिया हुआ है वहीं से बन सकता है, उधर अभी नहीं जाना है, है ना, पहले यहाँ जो दिया हुआ रहेगा उसका फॉर्मूला लगाएंगे, एस 10 दिया हुआ है ये 125, यहाँ लगा दीजिए एस एन, एस एन है ना, तो एस एन का फॉर्मूला एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। देखिए एन, एन है 10, तो 10 बटा 2 गुना 2a, ए तो है ये नहीं छोड़ दीजिए, प्लस एन तो है कितना 10, तो 10 माइनस 1, फिर डी नहीं है छोड़ दीजिए बराबर 125, जो नहीं है छोड़ देना है, जो है उसको रख देना है, कट रहा 2 5 10, तो ये 5, देखिए 5 ये पूरा ब्रैकेट के बाहर है यानी गुना में है, तो इसको उधर कर देते हैं 125 के तरफ, तो ठीक रहेगा, है ना, यहाँ लिखना बेकार है, इसको हटा देंगे। ठीक है, तो अंदर देखिए क्या क्या बच रहा है, अब यहाँ पे 2a प्लस 10 में एक घट गया तो 9d बराबर 125 इधर है, और ये वाला 5 गुना वाला जो है इधर बाहर गुना गया, 5 2 10, 5 5 25, देखिए हो गया 2a प्लस 9d बराबर 25। अब फिर देखिए यहाँ पे a d ना जोड़ सकते ना घटा सकते, अलग अलग चीज़ आ गया, फिर अटक गए तो इसको कह देंगे उधर 1 माने थे तो इधर 2, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करें, देखिए अब तो आगे और कुछ है ही नहीं जो बनाने वाला है,
तब क्या करना है, समीकरण वन और टू को सोल्व कर देना है। समीकरण वन और टू इस तरह का लीनियर इक्वेशन जब रहे, रैखिक समीकरण, तो उसको सोल्व करने का तीन गो विधि पढ़े हैं तीसरा चैप्टर में। कौन कौन विधि? एगो विलोपन विधि, एगो प्रतिस्थापन विधि और एगो वर्ज गुणनखंड विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये तीन गो विधि पढ़े हैं ऐसा वाला समीकरण को हल करने का, तो वही वाला विधि लगा देंगे यहाँ पे हैं। तो कौन सा विधि आसान लगता है हमको? तो विलोपन विधि आसान लगता है, तो विलोपन विधि से ही करते हैं। ठीक है, देखिए पहला स्टेप ये करिए, दूसरा स्टेप ये, तीसरा यहाँ रहे। ठीक है, क्या लिखेंगे? समीकरण वन और टू से, समीकरण वन और टू से। समीकरण वन है a प्लस टू डी बराबर 15, और उधर देखिए समीकरण टू, टू ए प्लस 9d बराबर 25। देखिए विलोपन विधि में क्या करते थे कि अगर कोई बराबर है तो डायरेक्ट घटा देते हैं, है बराबर है अगर तो डायरेक्ट समीकरण वन को टू से या टू को वन से घटा देते हैं, वो कट जाता है एक ठो, बाकी बच जाता है, वो निकल जाता है आंसर। लेकिन बराबर नहीं रहता है तो उसको बराबर कर लेते हैं तब घटाते हैं। तो इसमें देखिए ए है, टू ए है, तो कटेगा नहीं, बराबर नहीं है, यहाँ टू यहाँ नाइन, तो नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे? बराबर कर लेंगे। कैसे बराबर होगा? देखिए नीचे दो है, ये ऊपर वाला से गुना हो जाता है, हैं ऊपर ये वाला पहला समीकरण से दो गुना हो जाएगा, अरे यहाँ कुछ हो नहीं है एक है तो ये एक समझिए गुना हो जाएगा। नीचे वाला इक्वेशन में जो रहेगा उसको ऊपर से गुना कर दीजिएगा, ऊपर वाला को नीचे से, ए ए वाला खाली है ना, इसको बराबर करना है तो, अरे इसको बराबर करना है तो 9 से गुना कीजिए, नीचे 2 से, तो हो जाएगा। देखिए गुना करेंगे सबको, है ना, दो को पूरा इससे, दो और ए हो गया 2a, टू और ये 2 का लिखेंगे आप, रखिए देखिए 2 और ए, 2a हो गया, फिर 2 और 2d, 2 या 4d हो गया, बराबर इधर है 15 × 2 = 30। ये देखिए एक से गुना करेंगे तब तो एक नहीं रहेगा, इसको छोड़ दीजिए वो तो नहीं रहेगा, एक से गुना करेंगे तो नहीं रहेगा। अब देखिए बराबर हो गया, अब घटाइए, माइनस माइनस लगा देंगे, ये कट गया है, चार में 9 नहीं घटेगा, उल्टा करके घटाएंगे तो -5d होगा, बड़का माइनस इसलिए -5d। अब 25 में 5 घटाएंगे तो 30 में 25 घटाएंगे तो 5, तो देखिए डी बराबर का आ गया, डी बराबर 5, अरे -5 गुना में तो भाग 5 कट गया, तो डी बराबर आ गया 1। ठीक है, माइनस में है तो -1 से, इधर भी लगता है दिखिए जाता है, इधर कर दे रहे 5 - 5, तो ये 5 कट गया तो बच गया -1, है ना, डी आ गया कितना -1। हाँ तो डी -1 आ गया, डी आ गया -1, डी निकालना था, देखिए एक ठो तो निकल गया है। अब सोचेंगे कि ए एन डायरेक्ट निकाले थे, ए एन अभी नहीं निकलेगा, काहे कि ए 10 यानी ए एन ही निकालना है, तो ए 10 या ए एन निकालेंगे तो फॉर्मूला में क्या आता है, ए एन डी तीन को चीज़ आता है, तो तीनों पता है, देखिए तो यहाँ से तो एन पता है, ठीक है डी अभी आया, लेकिन ए तो कहीं नहीं दिख रहा है ना, कहीं है ए, ए नहीं है, तो अभी ए निकालना पड़ेगा तब जा करके और कुछ निकल सकता है। ठीक है, तो ए कैसे निकालते हैं? विलोपन विधि से। अभी विलोपन विधि खत्म नहीं हुआ है, विलोपन विधि में दोनों का वैल्यू निकलता है, अभी तो डी निकला है तो अब ए निकलेगा। क्या करते हैं? जो निकलता है उसको फिर समीकरण वन में रख देते हैं तो वहाँ का दूसरा वैल्यू निकल जाता है। ठीक है, तो डी आया तो डी का मान लिख देंगे, डी का, डी का मान समीकरण वन में रखने पर, डी का मान समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन कितना है, ए प्लस टू डी बराबर 15, ए प्लस टू डी बराबर 15, तो ए नहीं है छोड़ दीजिए, प्लस टू डी है, डी का मान है -1 बराबर 15, तो ए प्लस माइनस माइनस, दो एक दो हो गया ये 15, ए बराबर 15 माइनस में है उधर जाकर हो गया प्लस, तो 17 हो गया, ए कितना आ गया 17। देखिए डी आ गया, ए आ गया, डी और ए जब आ गया अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, ए एन भी निकाल सकते हैं, एस एन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकालने कहा है ए एन, तो ए एन निकालेंगे, ए एन यानी ए 10 बोला है, तो ए 10, तो ए 10 का डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखाएगा, ए प्लस 9d, है ना, क्योंकि एन माइनस 1 होता है, तो बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी इतना लंबा बन रहा है, फॉर्मूला लगा लगा के और लंबा काहे करें, है ना, तो यहाँ पे भी दो स्टेप कम कर सकते हैं और वहाँ पे कम कर ही दिए। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, एन का मान रखेंगे 10, माइनस 1 करेंगे 9 होगा, तो 9d डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो ए 10 बराबर हो गया ए प्लस 9d, तो ए का वैल्यू रख दिए 17 प्लस 9, डी का वैल्यू रखिए -1,
तो देखिए 17 प्लस माइनस माइनस 9, 17 में 9 घटाइए तो 8, तो 18 आ गया 8, ठीक है। 18 क्या होगा 8, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, डी दिया हुआ 5, एस 9 दिया हुआ 75, ए और ए 9 निकालना है, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ रहेगा ए एन या एस एन, वहीं से काम स्टार्ट करना है। देखिए एस एन इसमें दिया हुआ है, तो एस एन एस 9 दिया हुआ है, तो एस 9 लिख लेंगे 75, एस एन का फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे, क्या होगा एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया 75, तो लिख देंगे बराबर 75, है ना। अब देखिए वैल्यू रखिए, जो है उसको रखिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, कोई उपाय नहीं है। एन एन है 9, है ना, ये 9 एन रहता है यहाँ पे, तो 9, तो 9 बटा 2 गुना 2, ए ए है देखिए, तो है ये नहीं है तो छोड़ दीजिए, प्लस एन एन तो है 9, 9 माइनस 1, डी डी कितना है 5, देखिए बराबर 75। अब इसमें तो खाली ए है, मतलब ए का मान निकल गया, इसी से निकला ना, खाली सबको उधर कर देंगे, ठीक। तो देखिए ये ब्रैकेट से बाहर 9 बटा 2 है, माने गुना में उधर जाके भाग हो जाएगा, कैसा बाहर हटेगा, ये 9 ऊपर में गुना तो नीचे आ जाता है, यानी भाग में ऐसा, और ये जो भाग में 2 भाग में, तो इधर आके हो जाता है गुना, ऊपर चला जाएगा, है ना, तो इधर उधर करने तो आना चाहिए, है ना। और ये देखिए ये सबको पहले यहाँ पर सोल्व होगा, घटाव है तो 2a रहने दीजिए, प्लस 9 में घटा दीजिए तो 8, ब्रैकेट माने गुना 5, ठीक है। फिर ये 2a रह जाएगा, अभी 8 पच्चे 40 होता है तो 40 लिखेंगे, और यहाँ पे कटेगा तो काटिए, कटेगा 3 से कट सकता है, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, तो 25 2 50 कितना हो गया, 25 2 50 और नीचे है 3, 50 बटा 3। अब देखिए ये 40 जोड़ में उधर जाके हो जाएगा घटाओ, तो 50 बटा 3 माइनस घटाओ माइनस 40, भिन्न में तो भिन्न को ऐसे घटाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो करिए 50 एक 50 माइनस 4 दिया 12, 120 बटा 3, इधर है 2a, तो ये क्या हो गया 120 में 50 घटाते हैं 70 माइनस, बड़का माइनस इसलिए माइनस लगेगा, माइनस 70 बटा 3। अब ये 2 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा ऐसा, फिर काट देंगे 2 35 से 70, तो आ गया कितना माइनस 35 बटा 3, ठीक है। तो ये क्या आया ए, है ना, ए आ गया माइनस 35 बटा 3। अब हमको ए 9 लिखाना है, ठीक है, यहाँ देखिए ए 9, तो इसका भी डायरेक्ट वाला फॉर्मूला कैसे लिखाएगा, ए प्लस 9 है तो यहाँ क्या होगा 8d है। अब देखिए ए ए का वैल्यू आया है माइनस 35/3 प्लस 8, और डी तो दिया हुआ है 5, लगा देंगे 5, ये हो गया माइनस 35/3 प्लस 8 5 40, फिर से भिन्न में आ गया, एक लगा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जोड़ घटाव कर देंगे, हो गया 35 एक 35 प्लस 4 3 12 मैंने 120, सर नीचे 3, प्लस माइनस माइनस यानी 120 में 35 घटाइए कितना होगा, 10 में 5 घटाना होगा 5 होगा, यहाँ 1 माने 11 में 7 घटाइए तो 8, बड़का में प्लस है, प्लस रहेगा 85 बटा 3, ए एन क्या आ गया 85 बटा 3, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, तो ए और डी का तो कुछ फॉर्मूला होता नहीं, तो वहाँ से थोड़ी बनेगा, बनेगा कहाँ से, यहाँ से, है ना, एस एन से, तो एस एन है 90, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन का होता है एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर है 90, ठीक है। बस सिंपल है, जब जो ए एन या एस एन दिया हुआ ना, बस वहीं से काम स्टार्ट कर देना है, और क्या काम करना है, वही फार्मूला लगा देना, और फार्मूला में क्या क्या दिया हुआ उसको पुट कर देना है, एक आध दो वो नहीं दिया हुआ रहेगा वो निकल जाएगा यहाँ से, उसके बाद फिर वहाँ देखिए कहाँ निकालना है ए एन की एस एन, उसको फार्मूला लगा देंगे, है तो हो जाएगा कि बनाइए दे। चलिए थोड़ा सा बताइए, इधर एन देखिए नहीं दिया हुआ तो छोड़ दीजिए, 2 ए है तो 2 रखिए यहाँ, प्लस एन नहीं है छोड़ दीजिए, डी डी कहाँ गया 8 हो गया बराबर 90। देखिए ये वाला इसको खाली हटा दीजिए, 2 को 2 भाग में, क्या कि एन को हटाने से कोई फायदा नहीं, एन इधर है तो इधर ठीक रहेगा, है ना, तो ये 2 भाग में उधर जाकर होगा गुना, तो बाकी रह जाएगा एन यहाँ, यहाँ हो गया 2 दूनी कहाँ होगा 2 दूनी 4 है, 2 दूनी 4 प्लस, यही को तो नहीं घटा सकते एन में माइनस 1, तो हो गया छोड़ दीजिए, नहीं घटा सकते तो छोड़ दीजिए, हैं ये बाबा ये थोड़ा डेंजर है, चलिए बनाइए दे रहे पूरा,
ये हो गया 90, ये दुगुना में तो भाग में है, इधर आके हो गया गुना, दुगो एन आ गया, यहाँ पे थोड़ा समस्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण आ जाएगा, है ना। चलिए कोनो समीकरण आए बन तो जाएगा, है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट, ध्यान से देखिएगा है, ये एन को उधर नहीं करिएगा कोई फायदा नहीं, एन इधर है तो इधर का इसका जात का इधर है तो इधर रहेगा, है क्या करें, गुना कर सकते हैं, गुना करते हैं पहले इसको अंदर का, है ना, फोर प्लस आठ को गुना कर सकते हैं एन से तो आठ एन हो जाएगा, फिर आठ एक से भी गुना होगा, आठ का आठ, चलिए गुना हो गया, इधर भी नौ दुनिया अट्ठारह 180, एन को अब अंदर घुसा देंगे, हैं, चाहे एक बार ऐसा कर लीजिए, आठ में चार घटेगा ना, एक वो माइनस में एक प्लस में घटेगा, तो यहाँ पहले आठ एन को रख लीजिए, नहीं घट रहा है, आठ में चार घटाइए तो माइनस चार, बड़ा काम माइनस, इसलिए माइनस चार, ठीक। अब इसको गुना कर दीजिए, इसको एन और एन गुना आठ है तो आठ एन स्क्वायर हो गया है, यही वाला समस्या हो गया, स्क्वायर हो गया ना वही, अरे एन और फोर में गुना हुआ फोर एन बराबर 180, खतरनाक। देखिए कॉमन यहाँ थोड़ा सा निकल रहा है, कॉमन निकाल लीजिए, चार चार कॉमन तो निकल रहा है ना, एन भी निकल रहा है तो एन को निकालेंगे तब तो फिर इधर जैसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, तो फिर क्या फायदा है एन को निकाल के, चार को निकालिए ताकि चार उधर जाके कट जाए, तो तनिकुन छोट हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा छोट हो, चार बाहर हो गया तो बच गया, यहाँ चार दूनी आठ दो एन स्क्वायर माइनस एन बराबर इधर हो गया 180। अब देखिए दो एन स्क्वायर माइनस एन बराबर 180, चार गुना में तो इधर भाग में काट दीजिए, चार चौके 16, चार पच्चे 20, 45, थोड़ा सा छोटा हुआ है, चलिए थोड़ा सा छोटा हो गया तो बन जाएगा आराम से, टू एन स्क्वायर माइनस एन, ये 45 जो बचा है उसको भी इधर ले आते हैं, तो माइनस 45 बराबर कोनो ने उधर से जीरो है। अब देखिए ये कैसा आ गया, ये भी अलजेबरा, देखिए अलजेबरा मजबूत होना चाहिए, ये लोग पढ़ने के लिए अलजेबरा मजबूत होना चाहिए, अलजेबरा मजबूत है ना तो मैथ बहुत आसान हो जाएगा, है ना, क्या कि लगभग हर चैप्टर में अलजेबरा यूज होता है, और खास करके इसमें तो देख रहे हैं हर जगह खाली अलजेबरा का काम कर रहे हैं, खाली अलजेबरा में होता क्या है कि एक्स वाई ज़्यादा रहता है, इसमें ए एन और डी है ना, बाकी सब तो अलजेबरा का काम हो रहा है, तो अलजेब्रा मजबूत अगर है तो आराम से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं ना, जैसे ये आ गया तो यहाँ पे ध्यान ये सॉल्व करने आना चाहिए इसको, इसको कहाँ पढ़े हैं 2.2 में, है ना, 2.2 में पढ़े थे, क्वेश्चन लिखा हुआ था द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए, है ना, तो वैसा लिखा रहेगा तब है वैसा करना है, वैसा थोड़ी है, जहाँ पे भी वह शून्य निकालना हो वहाँ पर उसका काम, तो यहाँ शून्य क्यों ना निकालना, शून्य मतलब क्या होता था कि यहाँ जो एक्स रहता था उसका वैल्यू निकालना, तो यहाँ एन है तो एन काम को वैल्यू चाहिए तो वैसे ही निकाल लेंगे, है एन का वैल्यू चाहिए, ऐसे बराबर जीरो है माने शून्य, किसका शून्य चाहिए हमको, तो उसके लिए क्या करते थे, जब द्विघात बहुपद का शून्य को निकालना तो पहला लास्ट को बोले तो गुना कर देना है, है ना, पहला लास्ट को गुना कर देते हैं तो 45 और 2 हो गया 90, रफ में गुना करते हैं, 45 गुना 2 90 हो गया, और साथ में एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर रफ में काम करना है, ध्यान दीजिएगा, है ना, 2.2 अगर पढ़े होंगे तो याद आ गया होगा, है ना, कैसे करना है, 90 का पहाड़ा पढ़ना है, किसका पहाड़ा में 90 आता है, तो एक ठो 30 या 90 आता है, है ना, और यहाँ जो पहाड़ा में जिस पहाड़ा में आता है ना उसको जोड़ने या घटाने से इसका बीच वाला भी आ जाना चाहिए, बीच में क्या है छूछे एन माने एन खाली है ना, एक एन है, एन खाली मतलब एक एन, तो एक आना चाहिए जोड़ने से या घटाने से यहाँ वाला से, तो 30 में 3 33 हो जा रहा है, घटाने से भी नहीं है, एक तो नहीं आएगा यहाँ से, है तो कुछ ऐसा पहाड़ा पढ़िए 90 लाने का कि उसको घटा के देखेंगे तो यहाँ एन भी आ जाना चाहिए, जोड़ने जोड़ने से तो एक नहीं आएगा, घटाने से एक आना चाहिए ना यहाँ पे, क्या कि एक लाना है तो कुछ चीज़ को जोड़ के तो एक नहीं ला सकते, वो भी 90 का पहाड़ा में आने वाला नंबर को, है ना, तो 90 किसका पहाड़ा में आता है, और 10 है सिंपल है, तो है 10 9 90 9 दही 90 है, और 10 में 9 घटाएंगे तो एक भी आ जाएगा, ठीक। हाँ लेकिन साइन देखिए माइनस में लाना है, ये कहाँ लाना है माइनस में 1, तो यहाँ अगर 9 में माइनस लगाएंगे तो प्लस में 1 आ रहा है, ठीक, माइनस में ध्यान दीजिएगा, बड़का में माइनस लगाएंगे छोटका में प्लस, तब ना घटाएंगे और बड़ा माइनस है तो माइनस 1 आएगा, ठीक है, और एन स्क्वायर है तो साथ में एन रहेगा तो यहाँ 1 एन आएगा, है ना, तो ये वाला का काम है हमको, तो इसको क्या करते हैं पहला को तो उतार देते हैं जैसा है वैसा, और बीच में यहाँ से इसको उठा के यहाँ रख देते हैं 10 एन प्लस 9 एन, ये माइनस लास्ट वाला भी उतार देते हैं बराबर इधर है जीरो, ठीक। अगला स्टेप क्या है, कॉमन निकालना, तो कॉमन ये दोनों से पहले कॉमन निकालेंगे,
एन एन दोनों में है और टू भी दोनों में, देखिए यहाँ टू दिख रहा है, दस के अंदर थोड़ा घुस के देखिएगा, दस के अंदर भी टू है, कैसे है तो टू पच्चे दस होता है, दो पच्चे दस यानी दो दोनों में, यहाँ भी तो दो भी बाहर निकल गया, एन एन भी तो एन भी बाहर, तो देखिए एन स्क्वायर माने एन टू गो है, एगो तो बाहर लिख दिए तो अंदर में एगो एन बच गया, यहाँ देखिए दो तो बाहर चल गया एन भी बाहर चल गया, तो क्या बचेगा खाली पाँच, तो माइनस पाँच, ठीक। अब फिर कुमन यहाँ निकल, देख नौ और पैंतालीस तो नौ निकलेगा है ना, कहे कि पैंतालीस के अंदर देख रहे हैं तो नौ पच्चे पैंतालीस होता है माने नौ है, तो नौ दोनों में तो नौ निकला, तो बच गया यहाँ का एक माइनस नौ पच्चे पैंतालीस पाँच यहाँ है बराबर जीरो। देखिए एक्स बोलते हैं ये एन है ना, एन है ना एन, देखिए जब भी ऐसा शून्यक निकालते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ और यहाँ सेम माना जाए, सेम आया तो समझिए सही है नहीं तो गलत है ना, आगे बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, तो सेम सेम आ गया यानी फिर कॉमन निकल जाएगा एन माइनस फाइव एन माइनस फाइव, तो फिर निकल गया एन माइनस फाइव, तो अब इसको बाहर कर दिए तो ये टू एन बच गया, टू एन एक ठो बच गया यहाँ, और यहाँ से ये बाहर चल गया है तो बच गया यहाँ नौ, ये हो गया जीरो है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे एन माइनस फाइव बराबर जीरो, और एक बार टू एन प्लस नौ बराबर जीरो करेंगे, करेंगे ना है, क्या कि ये गुना में उधर जाके जीरो से मिल जाएगा तो ख़त्म कहानी उसका, तो बच गया का टू एन प्लस नौ बराबर जीरो, या ये भी तो गुना में इसको भी तो उधर कर सकते थे, इसको अगर उधर कर देंगे तो जीरो में मिल जाएगा वो, तो बचेगा एन माइनस फाइव बराबर जीरो, इसीलिए ऐसा लिखते हैं ठीक है, एन माइनस फाइव बराबर जीरो यानी ये वाला पूरा गुना में उसको उधर कर दिए तो जीरो से गुना हो के भाग हो के जीरो हो जाएगा वो है, तो इसलिए जीरो हो गया। अब आवर का किए कि कहा कि दोनों गुना में है तो इसको भी तो हटा सकते थे, इसको हटा दिए तो बच गया टू एन प्लस नौ बराबर जीरो, तो दोनों को सोल्व करते हैं ठीक है। हाँ तो यहाँ से देखिए एन का वैल्यू आ रहा है एन माइनस में पाँच है तो उधर जाके प्लस, यहाँ से क्या वैल्यू आ रहा है टू एन बराबर नौ प्लस में माइनस चलिए, फिर एन बराबर हो गया माइनस नौ बटा दो, दो दो आंसर आ गया है, दो आंसर आ गया, एन का वैल्यू दो आ गया। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ लगाना है कि आंसर किसको लिखेंगे, इसको कि इसको, दो को तो नहीं लिख सकते हैं, एन का वैल्यू एक एक होगा तो कौन वाला होगा, तो देखिए एन मतलब क्या होता है पद, पदों की संख्या है ना, एन मतलब गिनती होता है कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा पद पाँचवा छठवा सातवा आठवा नौवा कौन सा पद है उसको बोलते हैं, यानी गिनती एक दो तीसरा चौथा, तो देखिए तो ऐसा कभी गिनती वैसा बढ़ेंगे तो गिनती होगा नौ बटा दो, नौ बटा दूसरा होता है, पहला होगा दूसरा होगा तीसरा चौथा पाँचवा छठा ऐसा गिनती होता है, नौ बटा दूसरा तो नहीं होता है है, और एक तो माइनस हो एक तो लग गया है, माइनस में तो गिनती नहीं होता है, माइ एक दो तीन या माइनस एक माइनस दो ऐसा नहीं गिनते, कोई चीज़ को गिनना है जैसे यहाँ कहेंगे कै गो है यहाँ पे ये सब, तो एक दो तीन चार ऐसा गिनेंगे, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ऐसा थोड़े गिने, तो गिनती वाला नंबर प्लस में होता है और वो प्राकृतिक संख्या रहता है, भिन्न वाला नहीं रहता, अरे भिन्न में आ गया वो माइनसों में आ गया तो ये आंसर नहीं होगा है ना, नंबर ऐसा नहीं रहता है कोई भी चीज़ का गिनती, ये नंबर में गिनती है यहाँ का चीज़ का गिनती है तो एपी का है ना समांतर श्रेणी का वो पद आ रहा है, पदों का गिनती है को एन कहते हैं, तो गिनती को ऐसा नहीं करते ऐसा गिनती पांचवा पद में आएगा ठीक है, पांचवा पद तो पांचवा पद आंसर यानी एन का पांच आंसर होगा ठीक, तो एन निकल गया। अब एन निकालना है तो एन तो सिंपल है, मैंने ये लफड़ा था है ना, एन तो निकालना आराम से, यहाँ पे एन निकाल दे रहे, एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो क्या होगा ए, ए रखिए वैल्यू कितना दो इंटू एन, एन अभी आया पाँच माइनस वन, डी कितना आठ, तो हो गया दो प्लस है प्लस पाँच में घटाएंगे चार होना आठ, तो दो प्लस चार आठ बत्तीस और दो चौंतीस है ना, तो ये एन आ गया चौंतीस, तो बहुत सिंपल था, मेन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट पूछ दिया था, द्विघात समीकरण आ गया था यहाँ है ना, तो कहाँ गया यहाँ, इसीलिए इतना करना हुआ है ये सब ठीक। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, कहा कि बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है ना, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें छः वो क्वेश्चन किए, दस क्वेश्चन इसी में खाली थ्री नंबर में, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में वो सब क्वेश्चन देखेंगे, सोचते हैं थोड़ा एक एक होगा तो छोड़ देंगे, लेकिन देख रहे हैं भेटा जा रहा है खतरनाक खतरनाक, तो कर ही देंगे, अगर बनने जैसा होगा तो देखिएगा बना के, कोशिश कीजिएगा बन जाए तो, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कंप्लीट कर देंगे ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को थोड़ा सा शेयर करके लोगों के जोड़ने की कोशिश कीजिएगा ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।